गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप। 2024 के एशियन जिमनास्टिक चैंपियनशिप में पहली इंडियन जिमनास्ट कौन बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हैं दीपा कर्माकर। कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? ये त्रिपुरा से हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में ये हिस्ट्री क्रिएट की है जिसमें ये पहली इंडियन जिमनास्ट बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द एशियन चैंपियनशिप। और इन्होंने जीता वुमेन्स वॉल्ट का फाइनल्स। ठीक है, इस चैंपियनशिप के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो आपको याद रखना है ताशकेंत में ये चैंपियनशिप हुई थी, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे कौन थी? तो सेकेंड पोजीशन पे थी किम सॉन यांग, जो कि नॉर्थ कोरिया की एक प्लेयर है। और थर्ड पोजीशन पे थी जो क्योंग बोल, इन्होंने ब्रोंज जीता है। ठीक है, तो इस विक्ट्री के बावजूद भी दीपा की जो ओवरऑल रैंक है वो 16th रही इन द ऑल अराउंड। तो इसके बाद ये 2024 के पेरिस ओलंपिक्स कोटा को खो चुकी है। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से पहली जिमनास्ट कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस चैंपियनशिप में? आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। आइए कुछ चैंपियनशिप्स पे नजर डालते हैं जो न्यूज में थे पिछले दिनों। पहला है, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड? इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर है बैंकॉक थाईलैंड। ठीक है, विच इंडियन पैराथलीट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 55.06 सेकेंड्स इन द वुमेन्स 400 मीटर T20 कैटेगरी एट द ऑन गोइंग पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2024 इन कोबे जापान? कौन सी पैरा एथलीट है इंडिया की जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है? तो इनका नाम है दीप्ति जीवान जी। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इस चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है? जापान में। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 रिसेंटली कंडक्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये चैंपियनशिप हुई थी मुंबई सिटी में। वेयर वॉज द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? ये चैंपियनशिप कहाँ हुई है? आंसर है बिश्केक इन द कंट्री किर्गिस्तान। हु वन द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके लिए विनर है महाराष्ट्र स्टेट। सेकेंड है, निशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच इंडियन स्टेट? निशी ट्राइब जो आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट की लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है? आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे एक्चुअली एक माउंटेनियर और क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कबक यानो। ठीक है, इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट निशी ट्राइब वुमेन, और साथ ही ये फिफ्थ वुमेन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया है। ठीक है, और निशी ट्राइब की यहाँ पे बात करें तो ये लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश स्टेट का। प्राइमरली ये आसाम में भी पाए जाते हैं और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह पे। तो इनकी पॉपुलेशन ओवरऑल 3 लाख है और ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं और हैंडीक्राफ्ट में ये बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। रिलीजियस तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को, और कुछ लोग डोनिये पोलो जैसे रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा निशी ट्राइब एक लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। कौन से स्टेट में पाया जाता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा निशी ट्राइब एक और फेस्टिवल की वजह से पिछले दिनों न्यूज में आई थी और इस फेस्टिवल का नाम था लोंगटे फेस्टिवल। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोंगटे फेस्टिवल को कौन सी ट्राइब मनाती है? याद रखिएगा निशी ट्राइब। आइए कुछ ट्राइब्स देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला है, कदार ट्राइब्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज मेनली बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ इंडिया? कदार ट्राइब ज्यादातर आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी जो ऑप्शंस है वो इस तरह से सेट किए जाते हैं, जैसे हो गया पहला ऑप्शन असम हो गया, फिर इसके बाद यूपी हो गया, फिर थर्ड ऑप्शन आपका उत्तराखंड हो गया और फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु हो गया। अब आपसे पूछेंगे कदार ट्राइब इसमें से कहाँ रहती है, तो आपको अगर पता है कि साउथ इंडिया में कदार ट्राइब पाई जाती है तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। द शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली रिसाइड्स इन विच रीजन? शोम्पेन ट्राइब कहाँ पे पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? हक्की पिक्की ट्राइब कर्नाटका में रहती है। और अगर आपको याद हो लास्ट ईयर एक ऑपरेशन यहाँ पे इंडिया के अंदर रन कराया गया था, इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। किस लिए? क्योंकि सुदान कंट्री में काफी कंफ्लिक्ट चल रहा था और वहां से इंडिया के सिटीजन्स को इवैकुएट कराने की बात की गई थी जिस दौरान ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया। ठीक है,
और इस टाइम पे बहुत सारे लोग हक्की पिक्की ट्राइब के भी मौजूद थे सूडान में, जिनको कि बाद में इवैक्यूएट कराया गया। इस वजह से हक्की पिक्की ट्राइब बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई थी, ठीक है। और सिमिलरली एक और ऑपरेशन पिछले साल हमने लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑपरेशन करुणा, इसके बारे में भी याद रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन करुणा को हमने क्यों लॉन्च किया था? म्यांमार कंट्री की हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि म्यांमार कंट्री को इफेक्ट किया था साइक्लोन मोका ने, ठीक है। नेक्स्ट है कोंडा रेड्डी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज प्राइमरली इनहैबिट्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कोंडा रेड्डी ट्राइब आंध्र प्रदेश में मिलती है। फानी अराबा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज मोस्टली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट। ये ट्राइब आपको मिल जाएगी कर्नाटका में, ठीक है। रिसेंटली हाउ मेनी नेशंस हैव साइंड द जीरो डेब्रिस चार्टर एट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल। कितने नेशंस हैं जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया है इस स्पेस काउंसिल के दौरान? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। 12 नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने साइन किया जीरो डेब्रिस चार्टर को एट दिस काउंसिल, जहां पे इन्होंने कमिट किया है टू द सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज इन द अर्थ ऑर्बिट। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इनिशिएट किया था इस चार्टर को इन नवंबर 2023। बेसिक पर्पस यहां पे क्या था? स्पेस डेब्रिस को एलिमिनेट करना बाय द एंड ऑफ 2030 थ्रू एम्बिशियस टेक्निकल टारगेट्स एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। ऑल्दो ये नॉन बाइंडिंग है टोटली, और इसमें कुछ की गोल्स को सेट किया गया, लाइक कि किस तरह से डेब्रिस जनरेशन की प्रोबेबिलिटी को 1 के नीचे लेके आया जाए पर 1000 ऑब्जेक्ट एंड 99% पोस्ट मिशन डिस्पोजल सक्सेस का रेट अचीव किया जा सके, ठीक है। तो 12 नेशंस जो हैं जिन्होंने साइन किया है इस चार्टर को एट द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन स्पेस काउंसिल। आइए कुछ कंट्रीज देखते हैं जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इरावडी रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो रिवर है ये म्यांमार कंट्री में लाई करती है, ठीक है। म्यांमार की जो मिलिट्री रेजीम है उन्होंने एक बॉडी को फॉर्म किया जिसमें कि ये इवेलुएट कर सके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ऑन द इरावडी रिवर। पोटेंशियली इसको रिवाइव किया गया है इसके थ्रू मिथ सोन डैम को, ठीक है। तो इस रेजीम का पर्पस क्या है? ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, ठीक है। तो इरावडी रिवर कहां पे है? आंसर है म्यांमार। विच कंट्री नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमल दैट रिसेंटली हिट द बे ऑफ बंगाल। तो रिमल ने हाल ही में हिट किया था कौन से जगह को? वेस्ट बंगाल को और साथ ही बांग्लादेश कंट्री को, और बे ऑफ बंगाल में ये फॉर्म हुआ था, इसका नाम रखा है ओमान कंट्री ने। रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। दुनिया की पहली 100% बायोडिग्रेडेबल पेन को लॉन्च किया है इंडिया ने। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच इज द ओनली कंट्री अमंग द वर्ल्ड टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस टू सी ग्रोथ इन प्रोडक्शन इन अप्रैल 2024। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के मुताबिक इंडिया इकलौती कंट्री बन चुकी है दुनिया की टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग नेशंस में, जहां पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है प्रोडक्शन के मामले में। विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल टेस्ट हाल ही में कंडक्ट किया है फ्रांस कंट्री ने, ठीक है। स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च दियर फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया मध्य प्रदेश के किस रीजन में? आपको यहाँ पे ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा विजयपुर, दैट इज ए ऑप्शन। गेल इंडिया लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया अपना पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन विजयपुर मध्य प्रदेश अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और इस मिशन का पर्पस क्या है? इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें कुछ इंसेंटिव्स इंक्लूड किए गए फॉर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग एंड द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, और इसके अलावा इसके थ्रू सपोर्ट मिलेगा फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। साथ ही एक पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। तो स्टेट ओन्ड गेल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द विजयपुर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट। आइए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्लेड। ये एयरपोर्ट है थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। रिसेंटली विच इंडियन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। इनका नाम है गोपी थोथाकुरा, ओके। रिसेंटली इदाशिष नोंगरांग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये बन चुकी हैं पहली वुमेन डीजीपी मेघालय स्टेट की। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल ऑफ इट्स ग्लेशियर्स। ये कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला पहला नेशन बन चुका है जिसने कि अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली अनवील्ड द सीसिम विच इज इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इट इज सेतु, ओके।
माउंट मुंगालो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री. माउंट मुंगालो जो कि आजकल चर्चे में है बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड, ये कौन सी कंट्री में लाई करता है आपको ये बताना है. तो यहाँ पे एक मैसिव लैंडस्लाइड आया था पापुआ न्यू गिनिया कंट्री में बिकॉज ऑफ दिस माउंट मुंगालो, जिसकी वजह से 2000 लोग जिंदा दफन हो गए इन द रिमोट एंगा प्रोविंस विलेज. तो जिसके बाद की मेजर डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है यहाँ पे होम्स, बिल्डिंग्स और फूड गार्डन्स को. ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनिया ने यूनाइटेड नेशंस को बताया कि लगभग 2000 लोग दफन हो गए इन दिस मैसिव लैंडस्लाइड जो कि कॉज हुआ था बिकॉज ऑफ माउंट मुंगालोस कोलैप्स. ठीक है, तो ये जो डिजास्टर है इसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और नेशनल डिजास्टर सेंटर ने इस बात पे स्ट्रेस डाला है कि यहाँ पे एक अर्जेंट जरूरत है हमें कोलैबोरेटिव तरीके से एफर्ट्स करने की फ्रॉम द आर्मी, नेशनल एंड रीजनल रिस्पॉन्डर्स टू एड्रेस द क्राइसिस. तो माउंट मुंगालो न्यूज में था बिकॉज ऑफ अ लैंडस्लाइड, कहाँ पे लाई करता है, तो आंसर है पापुआ न्यू गिनिया. आइए कुछ माउंटेन्स देखते हैं जो न्यूज में आए. पहला है माउंट इबू रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. माउंट इबू कहाँ पे लाई करता है, इंडोनेशिया में. माउंट नेमरूथ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. माउंट नेमरूथ है टर्की में. रिसेंटली हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, इनका नाम है ज्योति रात्रे. ठीक है, ये ओल्डेस्ट वुमेन बन चुकी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को असेंड कर लिया है. माउंट रुआंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ये लाई करता है इंडोनेशिया में. और लास्ट है माउंट एटना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इटली. तो माउंट एटना है सिसिली रीजन में इटली के. ठीक है, यूजली आपसे कंट्री पूछते हैं कि माउंट एटना कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इटली में है. वीरूपक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. वीरूपक्ष टेम्पल कहाँ पे लाई करता है, आंसर हो जाएगा कर्नाटका, दैट इज डी ऑप्शन. एक्चुअली हुआ क्या है, एक पोर्शन है इस टेम्पल का जो कि कोलैप्स हो गया बिकॉज ऑफ टोरेंशियल रेन, और ये टेम्पल डेडिकेटेड है विरूपक्ष, लॉर्ड विरूपक्ष को एक्चुअली, जो कि एक लॉर्ड शिवा का फॉर्म माना जाता है. और ये टेम्पल याद रखिएगा कि ये पार्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एट हम्पी, और इसमें जो है द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर को शोकेस किया गया है विथ ग्रैंड गोपुराज और विमानास, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड पिलर्ड हॉल्स. ठीक है, तो लोकेशन क्या है विरूपक्ष टेम्पल की, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका. आइए कुछ टेम्पल्स की हम लोकेशन देखते हैं एक बार. पहला है श्री माधव पेरुमल टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये टेम्पल है तमिलनाडु में. हिंगलाज माता टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये टेम्पल है पाकिस्तान कंट्री में. अलगार टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये टेम्पल है तमिलनाडु में. भंडासर जैन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. ये टेम्पल लाई करता है राजस्थान में. भोजशाला टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. भोजशाला टेम्पल है मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट है मुंद्रा पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. मुंद्रा पोर्ट जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है. सबसे पहले मुंद्रा पोर्ट किसका है, अदानी ग्रुप का है. और हाल ही में इस पोर्ट ने होस्ट किया है लार्जेस्ट कंटेनर शिप टू डॉक इन इंडिया विच इज नियरली 400 meters MSC अना. ठीक है, तो मुंद्रा पोर्ट लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ शोर्स ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट कंटेनर पोर्ट है फिलहाल, जो कि हैंडल कर रहा है 33% ऑफ कंट्रीज कंटेनर ट्रैफिक. और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, APSEZ. इसकी कैपेसिटी है 260 million मेट्रिक टन्स और ये हैंडल करता है ओवर 150 MMT एनुअली. ठीक है, तो इसमें डाइवर्स कार्गो टाइप्स इंक्लूडेड है. तो मुंद्रा पोर्ट की लोकेशन क्या है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज गुजरात. चलिए अगली स्लाइड में कुछ हम स्टेट करंट अफेयर्स देखते हैं. पहला है परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. ये दोनों स्कीम्स हरियाणा स्टेट को बिलोंग करती हैं. अकॉर्डिंग टू CEA, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स बाय द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन फाइनेंशियल ईयर 24. तो इस टाइम पे यूपी जो है वो इमर्ज हुआ है एज द लीडिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ कितना ट्रांसमिशन लाइन्स एड किया गया बाय द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज. मृगावनी नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. मृगावनी नेशनल पार्क लाई करता है तेलंगाना में. मातवा कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट. ये कम्युनिटी आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी. सागरदवा बुद्धिस्ट फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट. सागरदवा एक बौद्ध धर्म का फेस्टिवल है जो कि सिक्किम स्टेट में मनाया जाता है. ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड द फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन दैट इज प्रगति 2024 एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रगति 2024 को होस्ट किया है इंडिया हैबिटेट सेंटर में.
यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा CCRAS, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज. ठीक है, तो इन्होंने होस्ट किया है प्रगति को एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर. फोकस क्या है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड कोलाबोरेशन विद द आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री. इस मीटिंग का पर्पज है रिसर्चर्स को कनेक्ट कराना विद द इंडस्ट्रियल पार्टनर्स फॉर ड्रग एंड डिवाइस डेवलपमेंट. और इसके लिए डॉजियर प्रेजेंट किया जाएगा ऑफ 35 फॉर्मुलेशंस एंड 3 इंस्ट्रूमेंट्स. ये डिस्कशन के दौरान प्रेजेंट किया जाएगा. इस इनिशिएटिव से जो है आयुर्वेदिक क्लिनिकल्स एंड पेशेंट्स को बेनिफिट पहुंचेगा. तो यहाँ पे प्रगति 2024 को हाल ही में होस्ट किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ने, कहाँ पे, इंडिया हैबिटेट सेंटर में. आइए कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे नजर डालते हैं जो न्यूज में आई. पहला है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अडॉप्टेड द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ नोन एज AI कन्वेंशन. यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ यूरोप. ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया है इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन को, जिसको कि आप AI कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं. इस ट्रीटी का पर्पस क्या है, AI सिस्टम्स को एंश्योर करना कि वो कंप्लाई करते हैं विद द ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है काउंसिल ऑफ यूरोप. विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च द इलेक्ट्रिक टेलर. इलेक्ट्रिक टेलर को लॉन्च किया है किसने, CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च ने. ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक टेलर लॉन्च किया है स्मॉल फार्मर्स के लिए, जहां पे ये यूजर के कंफर्ट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, साथ ही इको सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं. इसमें फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि टॉर्क इन्हांस होगा इससे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बढ़ेगा, और साथ ही वर्सेटाइल चार्जिंग ऑप्शन इसमें दिया जाएगा, जैसे कि AC एंड DC, सोलर DC. ठीक है, तो ये जीरो एग्जॉस्ट एमिशन प्रोड्यूस करेगा और साथ ही इंडिया के कमिटमेंट को सपोर्ट करेगा टू द इको फ्रेंडली फार्मिंग. और ये कंपैटिबल है विथ वेरियस अटैचमेंट, और इसके थ्रू ऑपरेटर फटीग मिनिमाइज होगा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी डेफिनेटली, और इसका पोटेंशियल है कि वो ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करें बाय अप टू 85%. तो टिलिंग से होता क्या है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और ये प्रमोट करता है हेल्दी क्रॉप ग्रोथ को. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है CSIR, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च. GSAP Skills Platform recently seen in the news is an initiative of which organization? GSAP Skills Platform initiative है IUCN का, International Union for Conservation of Nature. Next is Lunar Polar Exploration Mission LUPEX recently seen in the news is a joint mission of which two space organization? So LUPEX is a joint mission of the ISRO and JAXA. ठीक है, ISRO इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम है और JAXA जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है. प्री फायर पोलर मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. तो प्री फायर पोलर मिशन डेवलप किया है नासा ने. ठीक है, नेक्स्ट है, विच टीम हैज वन द इंडियन प्रीमियर लीग 2024. IPL 2024 को किसने जीता है, आपको ये बताना है. आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स, दैट इज ए ऑप्शन. इनको कोच किया है चंद्रकांत पंडित ने, और इन्होंने जीत लिया है IPL इस साल बाय डिफीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद इन द फाइनल्स. ठीक है, 8 विकेट से इन्होंने हराया था, और ये जो फाइनल्स है इसका ये कहां पे हुआ था, चेन्नई सिटी में, और प्लेयर ऑफ द फाइनल अवार्ड दिया गया है मिशेल स्टार्क को. ठीक है, ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग इस साल जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, किसको हरा के, सनराइजर्स हैदराबाद. आइए कुछ विनर्स देखते हैं जो न्यूज में आए. पहला है, रिसेंटली हु हैज वन द 2024 इटालियन ओपन टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी. तो इटालियन ओपन टाइटल जीता है इगा स्वियातिक ने. फाइन, और अगर आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि मेंस कैटेगरी में विनर कौन थे, तो मेंस कैटेगरी के विनर हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव. विच टू इंडियन प्लेयर्स रिसेंटली वन द थाईलैंड ओपन 2024 बैडमिंटन मेंस डबल्स टाइटल. तो इनका नाम है सात्विक सराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी. निखत जरीन हु रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल एट द लॉर्डर कप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट. निखत जरीन एक बॉक्सर है. ठीक है, रिसेंटली हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट द 27th फेडरेशन कप सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन इन भुवनेश्वर. तो ये गोल्ड मेडल जीता है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने. विच कंट्री रिसेंटली वन द 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी. इस ट्रॉफी को जीता है जापान कंट्री ने. ठीक है, वट इज IUCN स्टेटस ऑफ लाइम स्टोन लंगूर रिसेंटली सीन इन द न्यूज. लाइम स्टोन लंगूर का IUCN स्टेटस क्या है, आपको ये बताना है. तो लाइम स्टोन लंगूर एंडेमिक है टू द गुआंगजी प्रोविंस में, जो कि चाइना में लाई करता है, और फिलहाल ये इमिनेंट एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन. ये पाए जाते हैं 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और ये इनहैबिट करते हैं लोअर एलिवेशन में विथ हाई ट्री कैनोपी डेंसिटी नियर द वाटर सोर्सेज. तो
तो यहाँ पे इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया है बाय द IUCN और ये लिस्टेड हैं साइट्स के अपेंडिक्स 2 में. तो फिलहाल ये बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ पोचिंग, हैबिटेट लॉस एंड हाइब्रिडाइजेशन. इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स लेने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, तो लाइमस्टोन लंगूर क्योंकि चर्चे में थे, इनका IUCN स्टेटस याद रखिएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. आइए कुछ स्पेशीज के IUCN स्टेटस पे नजर डालते हैं. पहला है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज. तो जो आइबेरियन लिंक्स है इनका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड. व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ओरंगुटान रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड. व्हाट इज IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. व्हाट इज IUCN स्टेटस ऑफ ऑलिव रेडली टर्टल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये वल्नरेबल है फिलहाल. What is the IUCN status of Indian grey wolf recently seen in the news? Answer हो जाएगा least concern. ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी important current affairs cover कर लिए. I hope कि आपने session को काफी enjoy किया होगा और definitely आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे. चलिए फिर आपके quiz पे चलते हैं जहाँ पे screen पे आपको 5 questions दिखाई दे रहे होंगे. ये questions already हम पीछे कहीं ना कहीं discuss कर चुके हैं. यहाँ पे आपको video को pause करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीन्स हडसन साइनिंग ऑफ.